ये जो कचरा है ये जो मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ मस्जिद, कब उठ जाएगा? अभी उठ जाएगा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी लेके इंशाल्लाह उठ जाएगा आज इंशाल्लाह। तो अहमद साहब का ये कहना है कि कोशिश है कि ये उठ जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये कचरा भी अभी यहाँ से उठेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, ये नॉर्थ नाजामबाद के अंदर ब्लॉक क्यू है, और ब्लॉक क्यू में ये कचरा जो है ना, यहाँ पे कचरा कुंडी बनती जा रही थी। तो अहमद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, तो अहमद साहब ने कहा कि मैं कचरा उठाता हूँ, फौरी तौर पर एक्शन लेंगे इसके ऊपर, और इसी तरीके से फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है ना अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और आवाम उन्नास को रिलीफ दिया जाए। इस तरीके से मैं आपको बारहा दिखाता रहा हूँ अपनी वीडियोस में, और चीख चीख के मैं थक चुका था, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज ये काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बच चुके हैं एक्सीडेंट से भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार, जज़ाकअल्लाह। देखिए माशाल्लाह से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो सुपरवाइज़र हैं वो खुद तशरीफ़ ला चुके हैं, और ये नॉर्थ आज़माबाद का जो कचरा था शारे नूर जहाँ के ऊपर, इसको उठाया जा रहा है और उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं और डिपार्टमेंट को भी हम जो है ना राय लेते हैं इनसे कि किस तरीके से आप इस पर काम कर रहे हैं और अगली हिकमत अमली क्या है, अगला लाए अमल आपका क्या है। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं सुपरवाइज़र अहमद भाई। अहमद भाई मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं शहर के अंदर, और इसके बाद आप कौन सा कचरा उठाएंगे? आगे जाएंगे, आगे जो भी मिलेगा उठाएंगे, जो भी मिलेगा उठाएंगे। तो इसी तरीके से ये कचरा उठाते रहते हैं। तो मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है, खुदारा ये हमारी गली मोहल्ला है, हमारा घर है नॉर्थ नाजामबाद, इसमें जो है ना आप लोग ये कीजिए कि खुद कचरा ना फेंकिए, ठीक है? हम अपनी वीडियो के तवस्सुत से इंशाल्लाह आवाज़ को बुलंद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरी अवाम उन्नास से भी गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़े होश के नाखून लें और कचरा ऐसे रोड पर ना फेंकें, क्योंकि इससे हो रहा यह है कि कराची शहर के अंदर कुछ जिस तरीके से जरासीम, जिस तरीके से बीमारियां, जिस तरीके से कराची शहर के अंदर हम और आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं ना, वो हम ही जानते हैं। तो खुदारा अपने शहर को साफ बनाइए। अरे मैंने इनको रिक्वेस्ट की और इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर फिल फॉर एक्शन लेते हुए कचरा उठाना शुरू कर दिया। ये देखें काफ़ी टाइम से कचरा पड़ा हुआ था ये, तो अभी इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है और इसको जो है ना यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। तो इसके बाद जो है वो मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो गली जो है एंट्रेंस है नॉर्थ नाजामबाद की ब्लॉक क्यू की, और वहाँ से तमाम तर रिहायशी लोग आते हैं और मेहमान आते हैं, तो बड़ा बुरा इम्पेक्ट पड़ता था। तो वो भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की है और उसको भी ये उठा रहे हैं इंशाल्लाह। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि आगे मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने अपने मसले परेशानियां मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस तरीके से गली में मोहल्ले में आपके कचरा पड़ा हुआ है, पानी की किल्लत है, कोई भी इशू है तो आप हमें बताइए, अपना एड्रेस दीजिए, अपना नंबर दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके पास खुद तशरीफ़ लाएंगे, मेरी टीम आएगी आपके पास इंशाल्लाह, और बेटरमेंट ऑफ कराची के ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।